तो इनका शॉप बेसमेंट में है। आज पूरा खाली है, देखते हैं कैसा। इसका मेन्यू ये है, सबसे फेमस तो मसाला डोसा ही है। हाँ तुम्हें क्या चाहिए? मिक्स ले लेते हैं, दो मिक्स ही दो ले लो। तो एक मसाला डोसा और एक मिक्स वेजिटेबल। और तुम कभी आई हो इधर? फर्स्ट टाइम? तो इलाहाबाद का बहुत फेमस है ना ये। पहले ये रेडियो लगाता था, अब फेमस हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और कैसा चल रहा है धनतेरस एकदम? अभी डोसा भी खा रहे हो? हाँ और तो डोसा खा के देखते हैं। लेकिन एक चीज़ अपने को है ना, अपन बैंगलोर में रहे हैं ना, तो इसलिए अपने को डोसा का टेस्ट पता चल जाएगा कि अच्छा है या साउथ का अच्छा है। वो तो हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं उस हिसाब से कि साउथ का बेस्ट है या नॉर्थ का बेस्ट। लेकिन इधर क्या है, इधर है ना बहुत मसाला मसाला वो उधर का नहीं है। ऊपर डोसा रहता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो तो एकदम मसाला भर देता है टेस्टी बनाने के लिए। इसका मेन्यू उधर भी लिखा हुआ है क्लियरली। सो पनीर ऑनियन 140, मसाला डोसा 145, मिक्स वेज 165, ऑनियन 90, पेपर 60, फ्राइड वड़ा, दही वड़ा, इडली सांभर 65 रुपये। तो ये डोसा आया है, तो हमने एक मसाला डोसा लिया है और एक वेजिटेबल डोसा दिया है। तो इसमें इन्होंने चटनी दी है, देखते हैं अगर आधे घंटे थोड़ी खट्टी मिट्टी चटनी है। ये सांभर है, चटनी है, ये मसाला डोसा है, वो वेजिटेबल है। अच्छा लग रहा है। कैसा टेस्ट? चटनी सही नहीं है, सांबर भी थोड़ा ठीक ठाक है। और ये मीठा क्या दिया है ये, वो क्या है? खट्टा खट्टा है। हाँ इमली की है, खट्टी खट्टी बनाई है। लेकिन बढ़िया है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 160 का है ये, 160 का वर्थ इट है। मतलब अच्छा है, महंगा है एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर में तो डोसा 70-80 रुपये में मिल जाता है, लेकिन डोसे का टेस्ट, लेकिन डोसे का टेस्ट और ये बहुत अच्छा है और यूनिक है। तो गाइज़ आप लोग आ सकते हो, रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। और अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो तो नॉर्थ इंडिया में ये बेस्ट ऑप्शन है, इलाहाबाद में बेस्ट ऑप्शन है और रिकमेंडेड है एवरीवन टू कम इट। तो 10 out of 8.5। ऑयली और ऑयली थोड़ा कम है, अब ऐसा नहीं, बैंगलोर में ऑयली ज़्यादा बनाते हैं, तेल तो भर देते हैं क्रिस्पी बनाने के लिए, और इसका क्रिस्पीनेस भी है ना। चलो बाय बाय। इधर एक और खासियत है ना मसाले डोसा में, पनीर मटर ये सब डालते हैं। अपने इधर ना वो सब नहीं डालते थे वही। और इस चटनी का कुछ हुआ यूज़? ये चटनी का यूज़ हुआ? नहीं, अच्छी नहीं है, बकवास है, मैच ही नहीं कर रही है। लेकिन पेट भर जाएगा, पता है क्या, अगर जिसको लंच में खाना है एक खा लो आप 150 रुपये का, तो आपका पेट आराम से भर जाएगा। और कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। और यही है, ऑप्शन भी यही है, ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन आपको इलाहाबाद में। लेकिन डोसा क्रिस्पी है, एक है एक टैमरिंड करके है, बट वो ना एकदम ऑथेंटिक डोसा देते हैं। अगर आप चलोगे ना होटल है बहुत बड़ा, लेकिन वो एकदम ऑथेंटिक देते हैं, मतलब आपको नहीं अच्छा लगेगा। थोड़ा मसाले हम लोगों को पसंद होते हैं, वो एकदम कुछ ज़्यादा ही प्लेन होता है, बट ये वाला तो बहुत अच्छा है। मतलब नॉर्थ पुराना भी है, पुराना फेमस। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।